बजट कंस्टेंट डिफरेंट लैंडिंग एंड बोरिंग रेट्स डे स्टूडेंट्स हमारी अब तक की जो बजट कंसटेंट की डिस्कशन थी उसमें एक्चुअली हमारी अंडरलाइंग एदम्पशन ये थी कि कंज्यूमर इज फेसिंग सेम इंटरेस्ट रेड वेदर ही इज बॉरिंग समथिंग और ही इज लैंडिंग समथिंग बट यू नो इन रियल लाइफ एक्चुअली इफ यू borrow फ्रॉम बैंक यू विल हैव टू पे नॉर्मली हायर रेट एंड इफ़ यू lend देन यू गेट सम lower रेट आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो नॉर्मली कम होता है लेकिन जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो आज हम इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में फिर बजट कंस्टेंट किस तरह से होगी सो so, इस केस में बजट कंस्ट्रेंट जो होगी उसमें एक किंग आएगा और किंग किस पॉइंट पर आएगा किंग उस पॉइंट पर आएगा दैट इज नो बारिंग एंड नो लैंडिंग रेट इससे मुराद क्या है इससे मुराद ये है कि इस बजट कंस्ट्रेंट में जैसे आप जानते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस पर वी आर टेकिंग करंट कंजम्पशन एंड ऑन वर्टिकल एक्सेस फ्यूचर कंजम्पशन so if you take this point and join this with this horizontal axis, so this point shows that this is A plus Y. A is the wealth जो consumer के पास है current period में and Y is his current income. और अगर आप इसको horizontal vertical वर्ट, जो लाइन है उससे जॉइन करेंगे तो this point will be वाई एफ़ वाई एफ़ मीनस फ्यूचर इनकम सो ये वो पॉइंट है अगर उसकी करंट कंजम्पशन इस नो बारिंग नो लैंडिंग पॉइंट पर है तो वो करेंट पीरियड में जो रिसोर्सेज उसे अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड इन द फार्म ऑफ वेल्थ सो वो उतने ही रिसोर्स को स्पेंड कर रहा है और फ्यूचर में जो उससे मिलेगा वो वहाँ पर स्पेंड कर रहा है तो ना उसे बारो करने की ज़रूरत पेश आ रही है और ना ही वो लैंड कर सकता है तो इस पॉइंट पर बजट में किंक आएगा इस पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव करें फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर यहाँ पर है इसका क्या मतलब है कि उसकी करंट कंजम्पशन उसके करंट अवेलेबल रिसोर्स से कम है सो इट मीनस कि अब वो लैंडिंग की पोजिशन में है अब वो ये जो रिसोर्स हैं जितने वो कम स्पेंड कर रहे हैं इन रिसोर्स को वो लैंड कर सकता है तो इस पॉइंट से टू द लेफ्ट आप आएंगे तो वो लैंडिंग करेगा और इस पॉइंट से इस तरह आप आ रहे हैं राइट की जानेब तो इसका मतलब ये है कि वो बारो कर रहा है करंट पीरियड में जो रिसोर्सेज उसको अवेलेबल थे उनसे वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है तो ऑबियसली उसके लिए उसे बारो करना पड़ेगी तो अब हम मज्यूम ये कर रहे हैं कि अगर वो लैंडिंग करेगा और उसको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कम होगा जैसे नॉर्मली होता है बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट देता है वो उससे कम होता है जब आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो इस इस बात को हमने कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है कि इस नो बारिंग नो लैंडिंग पॉइंट से लेफ्ट की जानब जो बजट कंसटेंट है उसका क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है ये लैंडिंग जो फेज है लैंडिंग पीरियड है इसमें उसका स्लोप कम है ये रेलेटिवली फ्लैटर है और राइट right की जानब जो पोर्शन है बजट कंस्टेंट का ये रेलेटिवली स्टीपर है ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ये वाला पोर्शन है उसका राइट right वाला ये शो कर रहा है कि वो बारो कर रहा है और उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है so, सो इस इससे बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर ये बारिंग एंड लैंडिंग रेट्स डिफरेंट होंगे तो बजट कंस्टेंट जो बनेगी इसमें किंग का आ जाएगा और किंग किस पॉइंट पर आएगा उस पॉइंट पर जहाँ पर वो नो no बारिंग और नो no लैंडिंग वाला पॉइंट है ओके okay. सो so, अब हम देखना चाहते हैं कि इफ देर इज एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट हाउ दिस बजट कंस्टेंट विल अफेक्ट बाई दैट चेंज ओके सो अब इंटरेस्ट रेट भी दो तरह के हो गए ना बोरइंग रेट और लैंडिंग रेट तो इसमें से जो जोन से वाला इंटरेस्ट रेट चेंज होगा सिर्फ वही रेलेवेंट जो पोर्शन है बजट कंस्ट्रेंट का वो वाला इफेक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर लैंडिंग रेट चेंज हो जाता है लैंडिंग रेट बहुत इंक्रीज कर देते हैं बिफोर इंक्रीज दिस वार बी एल वन वा दोर्शन ऑफ द बजट कंस्टेंट और इंक्रीज होने से आप जानते हैं कि ये बजट कंस्टेंट स्टीपर हो जाएगी सो so, वो बी एल वन से बी एल टू उसकी बजट कंस्टेंट बन जाएगी और इसी तरह अगर उसका बॉरिंग रेट इंक्रीज़ कर जाता है तो बॉरिंग रेट से भी बॉरिंग रेट से पहले इंक्रीज से पहले उसकी बजट कंसटेंट बी एल थ्री थी और अब उसके इंक्रीज करने से ये स्टीपर हो जाएगी और ये लेफ़्ट की जानेब शिफ्ट हो जाएगी तो आप इससे ये भी समझ रहे होंगे कि जब बॉरिंग रेट इंक्रीज करता है तो अब उसके पास अवेलेबल रिसोर्स कम हो जाएंगे पहले यहाँ तक वो कंजम्पशन कर सकता था एट द मोस्ट लेकिन बॉरिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से अब वो पहले से लेस कंजम्पशन कर सकता है क्योंकि अब उसके लिए जो बॉरिंग है वो एक्सपेंसिव गई है लेकिन लैंडिंग रेट के बढ़ने से आप देख सकते हैं कि वो पहले से ज़्यादा कंजम्पशन कर सकेगा तो एक तो ये वाली बात दूसरा हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कोई सा भी रेट जब चेंज होता है तो इसका कंज्यूमर की चॉइसेस पर क्या असर पड़ेगा उसकी करंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन किस तरह से इफेक्ट होगी तो इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं कि ये वो वाला केस है जिसमें उसका इंडिफ्रेंस कर उसके नो बारिंग नो लैंडिंग पॉइंट पर उसको हिट कर रहा है अगर ये सिचुएशन है तो फिर इसमें वट एवर इज़ द इंटरेस्ट रेट इट विल नॉट अफेक्ट हिज आर हर चॉइस करेंट एंड फ्यूचर कंजम्पन लेकिन अगर वो उसका इन डिफ्रेंस कर इससे डिफरेंट पॉइंट पर उसको हिट कर रहा है उसका टेंजन बढ़ रहा है तो उससे वो फर्क पड़ेगा नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि इफ़ देर इज दैन इंक्रीज इन देल्थ जो इनिशियली वो इन्हीट कर रहा है या जिससे वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है करेंट पीरियड में इफ देर इज इन इंक्रीज इन दैट अमाउंट ऑफ वेल्थ हाउ दैट विल अफेक्ट तो इसका इफेक्ट ये होगा कि बिफोर द इंक्रीज दिस वॉज द बजट लाइन ए वन इज़ द इनिशियल वेल्थ एंड वाई इज द करंट इनकम सो इफ इन इनकम वेल्थ इंक्रीज ए टू हो जाती है ए वन की बजाय ए टू इज ग्रेटर दैन ए वन वाईज सेम तो ये बजट लाइन बजट कंस्टेंट जो है ये पैराल शिफ्ट कर जाएगी टू द राइट इफ़ देर इज इनक्रीज इन वेल्थ एंडवाइज फॉर्सा इफ देर इज द डिक्रीज इन देल्थ तो ये पैराल शिफ्ट करेगी टू द लेफ्ट और ये उसी तरह किंग ठी रहेगा इसका जो अपर पोर्शन है वो भी पैराल अप शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो बॉरिंग साइड वाला पोर्शन है वो भी उसी तरह शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हों बारिंग और लैंडिंग डिफरेंट हो तो उससे बजट कंस्टेंट किस तरह की होगी और वो उनमें चेंजेस आने से वो किस तरह से अफ़ेक्ट होगी और फिर उसका उसकी चॉइसेस पर क्या असर पड़ेगा थैंक यू वेरी मच